दोस्तों भी हम पहुंच गए हैं लखनऊ के रॉयल चाट पर। ये देख रहे हो रॉयल कैफे है, यहाँ की मशहूर है बास्केट चाट, जो बहुत ही अच्छी चाट है। और ये जो है ना लखनऊ की सबसे फेमस चाट है, और यहाँ का आपने नाम भी सुना होगा, काफी सारी वीडियो भी देखोगी इसकी। तो आज हम वही चाट खाने आए हैं, क्योंकि हम लखनऊ के अंदर थे, तो लखनऊ के अंदर हमने सोचा कि यहाँ पर हम चाट भी खाएं जो इतनी फेमस है। तो चलिए आज हम वो बास्केट चाट खाते हैं और आपको दिखाते हैं वो बास्केट चाट जो है कैसी होती है। सर बास्केट चाट, बास्केट चाट, बास्केट चाट चाहिए। ठीक, दो सौ 60 रुपए की है, 260। तो डॉक्टर के साथ जाना होगा ना। एक बास्केट चार लगाइए। ये हो रही है हमारी बास्केट चाट रेडी है। देखो किस तरह से रेडी कर रहे हैं। एक भी दही, अच्छा तो ये आ गई हमारी बास्केट चाट। ये देखो कितनी बड़ी है। बस स्पून देना, एक हाथ छोला दो हाथ आलू लगा दीजिए। स्पून स्पून आगे कॉर्नर पे। ये देखो कितनी बड़ी ह्यूज चाट है ना, बास्केट चाट। और ये साइड आ जाता है। तो देखिए अभी हम यहाँ गए ऊपर, बाहर खाने की कोई जगह थी नहीं, तो अभी हम यहाँ पे खाते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसी है। तो ये देखिए इसमें स्टफ देखिए, देखो क्या क्या इसके अंदर डला है। पापड़ी है, दाल सेन है, अनारदाना है। और ये देख रहे हो ना ये बास्केट जो है ना, ये बास्केट ये आलू से बनाई जाती है शायद, तो इसको भी खा सकते हैं, इसलिए से बोलते हैं बास्केट चाट। तो ये फेमस है लखनऊ की। तो देखिए, ये देखिए स्टफ देखिए इसका कैसा, छोले वगैरह सब कुछ हैं, आलू है, दाल सेल है, धनिया, हरा धनिया, सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। तो मैं खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कैसा टेस्ट है। टेस्ट अच्छा है, और साथ में दही का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो भी हम आ गए बाहर, हमने चाट खा लिया, और चाट जो थी बहुत ही टेस्टी थी। और ये जगह है हजरतगंज के अंदर है, ये देखिए मेट्रो स्टेशन, देखो हजरतगंज मेट्रो स्टेशन के पास ही है जगह लखनऊ के अंदर। तो ये पूरा है रॉयल चाट, ये पूरा हजरतगंज इलाका है। ये देखो पूरा जो है हजरतगंज इलाका है, इसके सामने जो है द रेमंड शॉप है, अगर आप खाना चाहते हो तो। ये सारी शॉप जो है ना जीवन बीमा LIC के सामने ही ये जगह है। तो ये जो है ना जीवन बीमा, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है उसी के सामने, LIC की बिल्डिंग है उसके सामने ये जगह है। उधर साहू जो है PVR है, ये देखो साहू PVR, उसके बिल्कुल सामने पड़ती है रॉयल कैफे। तो टुंडे कबाब फेमस है यहाँ के, और यहाँ के बहुत ही अच्छे कबाब मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आते हैं खाने। तो आइए इसके पास चलते हैं दुकान के, और आपको अंदर से दिखाता हूँ कबाब। बड़े अच्छे माने जाते हैं, बड़े फेमस कबाब है यहाँ के। और यहाँ जो है ये अमीनाबाद के अंदर है, तो मैं वहीं पर आया हूँ, वेट कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर दे दिया अपने टुंडे कबाब के लिए। तो देखो ये आ गए हमारे टुंडे कबाब, ये टुंडे कबाब जो गुलावटी कबाब भी कहते हैं अपनी तरफ, उसी तरह से है। और ये देखो यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा आते हैं, ये
यहाँ का मेन्यू देख सकते हैं आप, क्या क्या मिलता है वो देखो। कबाब में ये सारे हैं, ये सारे कबाब की लिस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। और दो बंदा सिखाता हूँ और क्या है, थोड़ा तो कस्टमर आ गया, ये देखिए। तो मेन्यू है सब, बहुत सारे डिशेज हैं, अभी हम खाते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं अपने कबाब को। माजिद भाई के सामने बैठे हैं, तोड़ रहे हैं। कैसे हैं? तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। देखिए ये ऐसे होते हैं, दो पराठे आते हैं, चार कबाब ऐसे हमने लिए हैं, ये प्याज वाला स्टफ है। और ये जो है बहुत बारीक कीमा होता है, बिल्कुल बारीक, इसे गुलाटी कबाब भी कहते हैं। खाने में थोड़े टेस्टी है, लेकिन सेम ऐसे ही कबाब दिल्ली में मिलते हैं, मुझे तो कुछ खास स्पेशल नहीं लग रहा है। जितने फेमस हैं यहाँ पर उस तरह का तो नहीं, लेकिन खैर फिर भी अच्छा है। और भी बहुत सारी डिशेज यहाँ पर मिलती है, वो भी खा सकते हैं। तो अभी मैं ये खाता हूँ और तो फिर दिखाता हूँ आपको और यहाँ की जगह। अभी हम यहाँ कुल्फी भी खाने जाएंगे, कुल्फी भी यहाँ की मशहूर है। तो आपके बाद तो कुल्फी खाएंगे, वो भी दिखाएंगे आपको कुल्फी। दोस्तों हमने टुंडे कबाब खा लिए हैं, बड़े अच्छे लगे टुंडे कबाब हमें यहाँ के, लेकिन दिल्ली जैसे ही टेस्ट था, कोई डिफरेंट नहीं था। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर यहाँ की फेमस कुल्फी खाने, जो प्रकाश कुल्फी के नाम से यहाँ फेमस है जगह। वो देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं, प्रकाश की मशहूर कुल्फी। तो हम प्रकाश की मशहूर कुल्फी खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा था। आइए दिखाते हैं प्रकाश कुल्फी के शॉप के अंदर। और अभी हमने कुल्फी का ऑर्डर दे दिया है, अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है, तो देखते हैं क्या लजीज कुल्फी आती है, वो बताते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है कुल्फी, इसका स्टफ देखिए आप कैसा है। देखिए ये येलो इसके अंदर जो है पड़ी हुई है, और ये है मतलब जैसे फलूदा होता है ना अपने साइड, दिल्ली साइड में फलूदा, तो उस टाइप से कुल्फी है। ये मैं खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर बताता हूँ कैसी है। कुल्फी जबरदस्त है, मैंने टुंडे कबाब खाए पहले, वो तो मुझे कोई खास नहीं लगे, लेकिन ये कुल्फी जो है ना वाकई में अच्छी। स्टफ देख ही सकते हो कैसा स्टफ है। जल्दी मैं खा के फिनिश करता हूँ, उसके बाद बाहर जाके बात करता हूँ, ठीक है। ये अमीनाबाद में है, पूरा लखनऊ के अंदर पूरा का। और कुल्फी जो है यहाँ की वाकई में टेस्टी है, मैंने खाई तो मुझे सच में टेस्टी लगी। और इसके इस साइड में जाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको मिलेगा टुंडे कबाब वाले, जो फेमस है यहाँ के, और ये लखनऊ की जगह हैं। और ये जो फूड था यहाँ का, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी मुझे आपको ये भी बताइएगा। और अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलता हूँ एक और अच्छी जगह पर, एक और अच्छी लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।